हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। मेरे दो वैक्सीन लग चुके हैं। मेरे को कल हाई ग्रेड फीवर आया। मेरा सीआरपी डे वन में 10 था। नॉर्मली डे वन में 10 नहीं होना चाहिए, विच मीन्स देर इज ए हाइपर इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। आई स्टार्टेड माई ट्रीटमेंट। आई टुक माई सीआरपी टूडे, इट इज 25। वॉट डज इट मीन? Let us understand what does this mean. This is called the synthesis of CRP occurs in the liver and is stimulated by the presence of IL-6 and tumor necrosis factor. It increases within 4 to 6 hours after the onset of inflammation or injury, double every 8 hours and peak at 36 to 50 hours. अगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता तो मेरा 10 तो 8 घंटे बाद 20 हो जाता, उसके 8 घंटे बाद 40 हो जाता, उसके 8 घंटे के बाद में 80 हो जाता, तो 20 से 40, 40 से 80 और 80 से 160। सो आई एक्सपेक्टेड कि अगर मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन कंट्री होता तो मेरा 180 24 घंटे में हो जाना चाहिए था। 24 घंटे में सिर्फ 25 हुआ, यानी कि ढाई गुना बड़ा, दो मतलब हो सकते हैं, या इतना बड़ा इन्फ्लेमेशन नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, या फिर मेरी दवाइयों के टाइमली दवाई लेने से इन्फ्लेमेशन पहले से कम हो गया है। 36 से 50 घंटे में ये पीक पे चला जाएगा। सो कल का मेरा सीआरपी एक्सपेक्टेड है या तो कम बढ़ेगा, 25 से 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, वो पीक हो जाएगा, या फिर क्रैश कर जाएगा। कल हो सकता है कल का सीआरपी वापस 10 आ जाए या 8 आ जाए या 5 आ जाए। दैट्स व्हाट हाउ वी असेस द सीआरपी वैल्यू। नमस्कार।